तो स्वागत है आज आप सभी का हमारे टेक्निकल जय गुरु जी के फ्रेश एपिसोड में। और जैसा दोस्तों हमेशा के लिए कहता हूँ ना भाई साहब, जबरदस्त न्यूज है तो वीडियो को करना है लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल पर अगर नहीं हो भाई साहब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को तो दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड वेल विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे से दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आज जो बात है ना भाई साहब वो सैमसंग पगला गया है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसे वाजे फोनर पगला गया है, सेम कंडीशन सैमसंग की है, इतना पगला गया है कि पूछिए मत। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसी सैमसंग टॉपिक को लेकर, और आप पहचान गए कि टॉपिक क्या है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A80। जी हाँ A80 ये लॉन्च हो गया है साउथ कोरिया के अंदर, और अभी देखते हैं ऑफिशियली कि भाई कब तक आता है ग्लोबली लॉन्च होकर इंडिया में, और जैसे ही आएगा ना सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो अभी हमारे पास है ना बताने के लिए इसके ही कि ये ठीक है नहीं है वो सभी बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A80 यानी कि A80 ये मॉडल लॉन्च हो गया है साउथ कोरिया के अंदर, और ग्लोबली कब तक लॉन्च करता है यार ये सैमसंग के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिया के अंदर कब तक आता है ये भी सैमसंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हालांकि इस मंथ के एंड तक आपको देखने मिलेगा या मई के स्टार्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसी मोबाइल की डिस्प्ले की, 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले है। और साथ में अगर हम बात करते हैं भाई साहब इसकी किस चीज़ की, समझिए ना रेजुलेशन की, तो FHD रेजुलेशन के साथ में आता है, अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इसकी जो सबसे जानदार बात है वो बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखते रहो। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कैमराज की, तो भाई साहब इस बार छक्का सा मार दिया है सैमसंग ने, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, छक्का नहीं है, ना ही तो वो छक्का ही है ना ही चौका ही है, समझ लो कि 3 रन ले लिए हैं ऐसा कुछ है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कैमरा की, वहाँ पर दिया है ट्रिपल रियर कैमरा, और जो इसका सिस्टम है ना वो पप पोकर मोटराइज कैमरा के साथ में आता है, मतलब कि स्लाइडर मैकेनिज्म है और बाहर आएगा ये आप देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है यार कि मोबाइल काफ़ी जानदार है। ये सारी कहानी इसी की भाई साहब, अभी तक तो जो डिस्प्ले है ना वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मज़ा आएगा यूज करने में, लेकिन अभी इसके दुरुपयोग भी सुन लो, जो कारण है ना कि स्लाइडर मैकेनिज्म के साथ में आएगा और जिसकी पावर होगी ना वो जिस तरह से डाउनग्रेड होगी वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यार उसका कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, और जैसे कमज़ोर पड़ता है ना मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जो सिस्टम कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर कहने की कोई बात है ही नहीं, सिस्टम इसलिए फिजिकल पावर कम हो जाती है थोड़ा सा, उसके वजह से वो यार कमज़ोर पड़ता है फिजिकल पावर के कारण। तो यही है अभी तो इसकी सारी कहानी, देखते हैं एक्चुअल में क्या आता है। लेकिन जो सबसे मेन बात है ना वो है भाई साहब इसका प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G। जी हाँ 730G न्यू प्रोसेसर है भाई साहब, क्या जमाना आ गया है प्रोसेसर की, इज्जत करो, यानी कि उसमें भी 730G आ गया है, काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी है, एकदम से न्यू प्रोसेसर है, और बहुत जल्दी सैमसंग इसे डेवलप किया और बहुत जल्दी से लाया, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ सैमसंग को इस बात को। लेकिन भाई साहब प्राइस अच्छी लेना, वरना लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों यही है अभी सारी कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी 80 को लेकर, लेकिन प्रोसेसर अपने आप में काफ़ी दमदार है, और देखते हैं एक्चुअल में कि इंडिया के अंदर कब तक आता है, और जैसे ही कोई भाई साहब आने की कुछ संभावना बनी ना हम आपको बता देंगे। लेकिन जिसका कैमरा है ना वो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, साथ में TOF सेंसर भी मिलेगा, यानी कि 3D डेप्थ सेंसर भी आपको मिलेगा। तो ये 3 कैमराज होंगे जो मोटराइज होंगे, और मोटराइज होके ये फ्रंट का काम करेंगे, तो सेल्फी तो काफ़ी बेटर होगी, सोनी का सेंसर है नहीं है ये भी नहीं अभी तक कन्फर्म हुआ, लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मोबाइल के अंदर। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी बैटरी की, तो 3750 mAh की बैटरी है, ठीक ठाक है, लेकिन यार थोड़ा कम है अपने मोबाइल में दे रहे हो, अपने 5000 mAh बैटरी और यहाँ पर देते हो 3750 mAh बैटरी, लेकिन भाई अगर फिर ज़्यादा मोटा हो जाता मोबाइल देखने को अच्छा नहीं लगता, तो लुकिंग वाइज अच्छा बना रहता है सैमसंग, तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और साथ में जो सबसे मेन बात है ना वो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसी मोबाइल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी तक तो यही है सारी कहानी, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई के साथ में आएगा विद वन यूआई काफ़ी बेटर है, बेटर देन अदर अगर हम कंपेयर करते हैं Xiaomi जैसा ब्रांड से, तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छा है वन यूआई, लेकिन देखते हैं एक्चुअल में कि क्या होएगा इंडिया के अंदर भाई, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, रेडमी है, Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है, तो बहुत सी कंपनी है, साथ नोकिया भी साथ में है और SSB है,
तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन्हें कंपटीशन भाई बहुत टफ हो गया है आज के समय। और फिर 730 तो वो ठीक ठाक है, क्योंकि यार प्रोसेसर अपने आप में इतना फास्ट है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते फ्लैगशिप लेवल से, क्योंकि उसे अगर कंपेयर करते कुछ ही कम होगा फ्लैगशिप लेवल से, यानी कि स्नैपड्रैगन 835 845 उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो कुछ ही परसेंट कम कह सकता हूँ मैं, मान के चलो 50%। तो भाई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ओवरऑल लुकिंग वाइज तो काफ़ी ग्रेट फ़ोन होने वाला है यही सैमसंग का गैलेक्सी 80। लेकिन अगर हम इसके रैम मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं, वहाँ पर अगर रैम मैनेजमेंट है 8GB 256GB, तो 8GB रैम मिलेगा, 256GB इंटरनल मिलेगी। 256GB मेरे भाई इतना कहाँ ले जाओगे, 256GB यूज करना बहुत भारी रहता है। ओल्लो की कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लैपटॉप में भी हम 4GB से काम चला लेते हैं, लेकिन आजकल का भाई मोबाइल है ना काफ़ी फास्ट हो गया है कि 8GB रैम प्रोवाइड करा रहा है। प्रोसेसर इतना अच्छा है कि आप सारे काम कर सकते हो पर्सनल होम वाले। तो यही है सारी कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी 80 को लेकर। हालांकि जो डिसअपॉइंटेड हो, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, भाई साहब क्या बात है, क्यों निकाल दिया? सबको पता है कि स्लाइडर मैकेनिज्म में तो निकालना पड़ता ही है, किसी भी टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। तो ओवरऑल लुकिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज टू मच गुड, बट बैटरी वाइज डिसअपॉइंटेड। 3.5mm ऑडियो जैक, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो डिसअपॉइंटेड। अदरवाइज लुकिंग वाइज मोर देन मोर गुड। आई अप्रिशिएट कि आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट लाए। मैं भी सेट करता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो एक्सिनोज से पक गया था कि एक्सिनोज ये एक्सिनोज वो आता रहता है। तो यही है सारी कहानी दोस्तों। वीडियो को करना है लाइक अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और भाई नहीं भी पसंद आई डिसलाइक कर दीजिए। और चैनल पे नहीं बना भाई साहब, हाथ जोड़ कर कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अंटिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सी यू, बाय बाय।